यार देख पीछा मत करो। आप ठीक तो है चवन्नी उस्ताद? मैं चवन्नी उस्ताद नहीं हूँ, अठन्नी उस्ताद हूँ। एक तो आपकी हर चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यही तो प्रॉब्लम है। दोस्त को भी आप दुश्मन बना देते हैं। अगर दिल भर गया है तो ओवर एक्टिंग बंद कर दें। ओके, चैलेंज का टाइम खत्म होता है। जुम्मन, मिस्टर अली की क्या रिपोर्ट है? मैं समझा नहीं, मिस्टर अली कितना हंसे? जीरो। मिस्टर अली, मैंने आपसे कहा था दिस इज इम्पोर्टेंट। खैर, मिस्टर सलीम जी, आपकी रिपोर्ट तो मेरे पास है। ये मिस्टर राहत और बशीर कहाँ गए? मामू स्मर्फ नहीं आया ना, तो इसका मतलब है वो फेल हो गए। आप जल्दी से नतीजा सुनाएं और हमें हमारा चेक दें। जी बिल्कुल। मिस मीना, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। बन जा रहे फोन। अच्छा, कैस्पर कह रही है कि बशीर बॉन्ड और राहत साहब जो हैं किसी मिशन पे गए हैं और आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। कल तक? ये तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, हम कल तक इंतजार करेंगे। फिर लेट हुआ तो मैं कल रिजल्ट सुना दूंगा। मिस्टर अली, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? चुप रहती ना तो चेक आज हमारा होता। हटो यहां से। मैंने कितना समझाया था कि प्रिटेंड कर लेते। मैंने प्रिटेंड करने की बहुत कोशिश की, मैं नहीं कर सकता। आप प्लीज मुझे वो फाइल दे दें। नहीं मिस्टर अली, पहले आपने मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ऑनेस्टली प्रिटेंड नहीं करना, सच बोलना है। जितना वक्त चाहते हैं आप लें, लेकिन मुझे लगा कि यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, तो मैं आपको एड्रेस नहीं दूंगा। एग्रीड? रेडी? रेडी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। आपने जो पूछना है पूछ लिया ठनी भाई, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बारे में भी बता दूंगा, फिर तो मेरी शादी ही नहीं हुई। अबे सारा सीजन तो बता दिया, अब और क्या बताएगा? और तूने तो कहा था शादी हुई है तेरी। वो तो मैंने वैसे ही कहा था। खलास, बहुत चूना लगाया अपन को। चवन्नी भाई, राहत, अपन तेरे को जान गया। तू जुमा बन के, कभी बशीर बन के, अपन को अक्का दिन से मामू बना ला रहे। अरे नहीं चवन्नी भाई, वो तो मैंने आपकी अपनी सेफ्टी के लिए झूठ बोला था, वरना आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत और एहतराम और प्यार है। अपुन का भी कनेक्शन तेरे से बहुत डीप हो रहा था, पर तेरा सिग्नल ही साला ऑफ नेट निकला। अरे चवन्नी भाई, नेटवर्क से क्या होता है, हमारा कनेक्शन तो व्हाट्सएप वाला है, बस वाईफाई की एक किरण चाहिए। अपन माइंड नहीं किया, अपन से फिर नहीं झूठ बोलने का, ब्लूटूथ पे नहीं लगाने का।
अगर आप दोनों ने एक दूसरे की वायरलेस चार्जिंग बंद कर दी हो तो मैं एक सवाल पूछूं चवन्नी भाई, आप दोनों भाइयों की शक्लें एक जैसी हैं, कपड़े एक जैसे हैं, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होती? कभी कभी अपन को भी लगता है अपन एक अठन्नी है। अरे आप अठन्नी से कई ज्यादा कीमती हैं चवन्नी भाई। वैसे ये बताइए, ये अठन्नी मुझसे चाहता क्या है? वो जो अपन की डिमांड है 15 करोड़। चवन्नी भाई 9 करोड़ थे? थे, पर जब से कबली लोग आया, अजबक आया, बंगाली आया, मैखी आया। ओ राज साहब, आपने किस किस से पैसे नहीं लेने ये बता दे एक बार। चवन्नी भाई, मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। अपन है ना, टेंशन नहीं लेने का, अपन ये गया और ये आया। लेकिन चवन्नी भाई, हम खाना कैसे खाएंगे? चवन्नी भाई, बात हो गई अठन्नी भाई से? क्या कहा उन्होंने? मौत आ जाए ऐ गालिब, दिल ना किसी पे आए। हैं? क्या मतलब? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये चवन्नी नहीं अठन्नी है। तो मिस्टर अली, आपके पास सवालात के जवाब देने के लिए 4 ऑप्शंस हैं। कभी कुबार, चंद दिन, ज्यादातर दिन या रोजाना। इस महीने को छोड़ के लेट से पिछले महीने कितने दिन कोई भी काम करने का दिल करता था या काम करते हुए खुशी नहीं मिलती थी? ज्यादातर दिन। ओके, अच्छा, इसी तरह तकरीबन कितने दिन डाउन या डिप्रेस्ड या नाउमीद रहते थे? रोजाना। ओके, नींद आने में मुश्किल होती हो या ज्यादा नींद आती हो? रोजाना। ओके, अपने आप को थके हुए महसूस करते हो या एनर्जी डाउन होती हो? ज्यादातर दिन। ओके, खाने पीने में बद परहेजी या कम खाना या ज्यादा खाना? किस किस्म के सवाल आते हैं? जस्ट आंसर द क्वेश्चंस। कभी कभार, चंद दिन, ज्यादातर दिन या रोजाना? कभी कभी। ओके, खुद को बुरा समझना या फीलिंग लाइक अ फेलियर या चाहने वालों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरते हुए लेट डाउन किया हो? हमेशा। ओके, कंसंट्रेट करने में या ध्यान देने में मुश्किल हो कुछ पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए? कभी कभी। ओके, ऐसा महसूस करना जैसे तुम खड़े हो और जिंदगी, दुनिया, वक्त गुजर रहा है। यू आर टू स्लो या इतनी बेचैनी कि तुम जरूरत से ज्यादा हिलजुल रहे हो?
ज्यादातर। ओके अली, कभी ऐसा सोचा हो कि इस जिंदगी से मौत बेहतर है या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचा हो? ओके अली, ये सब कुछ कब से हो रहा है? As long as I can remember. कासिम साहब की डेथ से पहले? इसके बाद से। अली, इस फाइल में इन्वेस्टिगेटर का एड्रेस है। नाउ यू कैन गो। थैंक यू। बेटा, तुम कभी कॉलेज की किताबें पढ़ती हुई नजर नहीं आई। उसके लिए कॉलेज में दाखला भी तो होना चाहिए। क्या मतलब? तुमने कॉलेज शुरू नहीं किया? शुरू किया था। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मामा ने सेकंड सेमेस्टर फ्रीज करा दिया था, वरना अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा होता। कोई बात नहीं, हम जो पैसे जीते हैं ना, मैं उससे कर लूंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बेटा। वैसे मैं घर में भी खुशी हूँ, एटलीस्ट एग्जाम से तो जान छुटी मेरी। बेटा, पढ़ाई के बीच में ब्रेक नहीं आनी चाहिए, फिर दिल नहीं चाहता पढ़ने को। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा, जो गलती मैंने और टिमी ने की है वो तुम बिल्कुल ना करना। हाँ ये ठीक है, आप दोनों अपनी मर्जियां चला लें, और जब मेरी बारी आ जाए तो कोर्ट कचहरी खोल दें। यही तो डर है बेटा, तुम्हें वो ना देखना पड़े जो हमने देखा है। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और फिर घर पे बैठ कर एंजॉय करो। तो ये तो नहीं कि आप दोनों मुझे कोई डॉक्टर या लॉयर बनाना चाहते ये किसी ऐसे प्रोफेशन में तो नहीं भेजना चाहते जिसमें पूरी जिंदगी बस पढ़ाई करती रह जाऊं? नहीं बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो पढ़ो और उसमें नंबर वन बनना। ओके, थैंक गॉड। चलो अब जाओ, अपने कमरे में जाके सो जाओ। मैं तो यहीं पे सोती हूँ। अच्छा, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। चीजें मुझे बहुत पसंद है। पहले बता चुके हो। अतोला इसाहान खेली, सुनहरे बाल और नीली आंखें। हाय 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 हाय, क्या चॉइस है। और कलाई। फिर तो चार चीजें हुई ना, और कलाई। जब मैं तोड़ता हूँ तुम्हें तो कलाई पसंद है। हाँ बहुत पसंद है, मैं तो कलाई का फैन हूँ। बाजू को हाथ से जोड़ती है। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अरे वाह 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 वाह, आप तो हल्का परिस्ताने गालिब से मालूम होते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, इस शेर का हमारी सिचुएशन से कोई ताल्लुक बनता नहीं है। ताल्लुक है,
अगर तुमने मुझे 15 करोड़ ना थमाए तो मैं कलाई तोड़ दूंगा। लेकिन शेर को अपने हाथ का नहीं सुनाया था बशीर। शायर की इस शेर में हाथ से मुराद कानूनी फितरत है, मकफाते अमल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब के शेर हाथ की जगह कलाई का सुनाना चाहिए था। अरे ये कोई मुकाबला बैनबाजी थोड़ी हो रहा है भाई, शेर की रूह मौका महल की मुनासबत से होनी चाहिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मतलब इनको कलाई की जगह आपका हाथ तोड़ना चाहिए। अबे नहीं यार, ये तो शायर ने कहा था। खामोश खामोश, इस्लाम का शुक्रिया, इंसान कभी सीखना नहीं छोड़ सकता। पर मैं तशरीह नहीं लेने आया, मैं ये बताने आया हूँ रात, अगर 15 करोड़ पैदा ना किए तो मैं एक एक करके सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अठन्नी भाई, मैं 15 करोड़ कैसे पैदा करूंगा, मैं तो उम्मीद से भी नहीं हूँ। बड़ी शाइस्ता शख्सियत है। अबे शाइस्ता को छोड़, इधर आ, दिमाग में एक आइडिया है। ठीक है। वटनी, अचवनी, अरे आजा। स्माइल चेक कर। ये पाएगा ना मस्त माल देने। हाँ। अरे आया नहीं? हम नहीं डर रहे। हाँ। वाओ, ये सब बशीर ने बनाया। आओ बेटा बैठो, ये तुम्हारे लिए बनाया है। क्या मतलब है, ये सब आपने बनाया? हाँ बेटा। ट्राई करती हूँ। टेस्टी भी है, आप तो बड़े शेफ निकले। मुझे खाने में तेज मिर्चें पसंद है। लेकिन मामा से तो मिर्चें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बेटा तुम सही कह रही हो, वो जब भी खाना बनाती थी तो नमक के अलावा कोई और टेस्ट आता ही नहीं था। अब ऐसा भी नहीं है, इतना बुरा खाना नहीं बनाती थी वो। बेटा मैंने कब कहा कि वो बुरी कुकिंग करती है, मेरी इतनी मजाल अपनी माँ को नहीं जानती तू। अगर मैंने तारीफों के अलावा कुछ और कहा उसके खाने के बारे में तो कच्चा खा जाती मुझे। खाना बनाना छोड़ देंगी मामा अगर आपने उनकी कुकिंग को चैलेंज किया तो? नेवर बेटा, मैंने उनके हाथों की छेदों वाली रोटियां भी खाई हैं।
क्या हुआ कैस्पर, किसे ढूंढ रही हो? बशीर? बशीर? इसको तो सुबह से मैंने भी नहीं देखा। लगता है उनका सीक्रेट मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आ जाएंगे। और बताओ तुम्हारे दोस्त कौन कौन है इस घर में? मैं आपको उनकी रियल नेम्स बताऊं या कोड नेम्स? कोड नेम्स से शुरू करते हैं। ठीक है। कैस्पर, डेक्स्टर, मिकी माउस। मिकी माउस दोस्त है भी और नहीं भी है। उसके अलावा अली बाबा, ये सब मेरे फेवरेट हैं। अब सब ये लोग असल में हैं कौन ये भी बता दो। चलो मैं आपको बताती हूँ। मिकी माउस जो है ना वो मुख्तार है, ठीक है, और डेक्स्टर बशीर और कैस्पर तो आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर अली रजा? वो तो मेरे पप्पा हैं। अली नाम है मेरा। मैं रोशन दीन साहब का पोता हूँ और कासिम दीन साहब का बेटा। अगर आप नाम बताएंगे तो वो पहचान लेंगे। नहीं मिल सकते। क्यों, घर पर नहीं? यार वो तो चल बस हैं। वेरी सॉरी, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपके वालिद साहब ने मेरे वालिद साहब की मौत की तफ्तीश की थी अलहदा से, पुलिस से बाहर रहकर। वो रिपोर्ट मुझे चाहिए अगर उनकी कोई फाइल्स हों। पप्पा की फाइल्स का तो छत्ता पड़ा है। हाँ उसी में होंगे वो, अगर आप चाहें तो मैं आके खुद देख सकता हूँ। यार माफ़ करना टाइम सर, मेरी बात सुने। देखें आपके लिए शायद वो फाइल्स कोई मायने नहीं रखती लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ देख सकता हूँ। या मुझे माफ़ करो यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम। सर मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। कितने? जितने आप चाहें, मैं आपको काफ़ी अमीर कर सकता हूँ। वो फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, अगर आपके पास हो तो। नाम क्या है? अली। नहीं जिसकी रिपोर्ट है। कासिम दीन या रोशन दीन साहब के नाम से हो सकती है। उसके अलावा ये मौजूद है मेरे पास, इसमें उनकी तमाम डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट भी हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया और कैसे किया। ठीक,
अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मेरा नंबर भी लिखा। सही है, सही है। थैंक यू। अब आपका नाम क्या है? नोमी। प्लान याद रखना। मैंने मजनून पे लड़कपन में असर संग उठाया था कि सर याद आया। रहने दे, समझ गया। यार बशीर, मैं तो इस जिंदगी का आदि होने लगा हूँ भाई। बड़ी आरामदेह कुर्सी है। क्या बात, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल राज साहब, मेरे हाथ पैर बंधे, फिर जाके मुझे महसूस हुआ कि जिनके हाथ पैर नहीं होते उनको कैसा महसूस होता है। लेकिन इतने जरूरी नहीं है हाथ पैर होना। शुक्रिया ठनी भाई। पता है ये क्या है? मैं इससे तुम्हारे एक एक करके नाखून निकाल लूंगा। अरे शुक्रिया ठनी भाई, शुक्रिया। जिस्म का सबसे फालतू हिस्सा आप निकाल देंगे। राज साहब, अगर नाखून निकालने हो ना तो इससे अच्छा औजार तो कोई हो ही नहीं सकता। ये जो भाई के हाथ में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ आजकल के जमाने में ऐसा आदमी जो अपना काम और औजार जानता है, खराज तहसीन पेश करने का मुस्तैक है। ठंडी भाई, मैं आपके जज्बे और फन की कदर करता हूँ, प्लीज आप मुझ पे तशद्दुद करें, टॉर्चर करें। ठंडी भाई, मैंने आपके कोई पैसे तो देने नहीं है, लेकिन आपसे अज़ियत मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी अज़ाज की बात होगी। आप मुझे टॉर्चर करें, इनको नहीं। नहीं नहीं ठंडी भाई, मेरा भुरकस निकाल दे, मारे मुझे, मारे मारे ना। आप मुझे चित्रोल करें। तुम लोगों को डर नहीं लग रहा? डर? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बरसों पुरानी महबूब की महफिल में आ गया हूँ। राज साहब, आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? क्या? माँ की ममता। अरे वाकई, मैं तो समझता था ये सिर्फ मुझे लग रहा है। और माँ की मार, आय हाय हाय, माँ की मार से बेहतर कोई चीज है? कुछ नहीं, जैसे तेज हवाओं का, खूबसूरत नजारों का झोंका। ठंडी भाई, मेरा भुरकस निकाल दे, मारे मुझे। नहीं नहीं, आप मेरी चित्रोल करें। नहीं नहीं मेरी, नहीं नहीं पहले मेरी, पहले 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 मेरी, पहले नहीं नहीं, चलिए आप बड़े यहाँ पर। खामोश, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? एंजॉय कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो। मैंने तकलीफ पहुंचानी थी, मेरा दिमाग खुद अजियत में पड़ गया है। मैं तुम लोगों का हल निकालता हूँ। आपका प्लान काम कर गया लग रहा है। अब देखें आगे क्या करना। हाँ। स्माइल चेक कर भाई की। वो छोड़े, असल में कुछ उखेड़ देता तो? अबे नहीं उखेड़ता, मैं पता था। कैस्पर, घर खाली खाली क्यों लग रहा है? कहाँ है सब? बाहर गए? अली बाबा? मैं भी फिर बाहर जा रही हूँ, मैंने क्या करना है अकेले यहाँ पे? ठीक है, तुम मुझे कवर कर देना।
आज राहत साहब नजर नहीं आ रहे सुबह से। वो दोनों किसी मिशन पर गए। ओके एडी साहब, अब आपको राहत को डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए। आपको पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वैसे कितनी अजीब बात है एडी साहब कि दाजी ने आपको मुंतखब किया। आप ना सिर्फ हम सबको बचपन से जानते हैं, आप हमारी आपस की रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। और शायद यही दादी हम सबको याद दिलवाना चाहते थे कि बचपन की तरह हम वापस दोस्त बने और रिश्तों की गहराइयों में उलझने की बजाय एक दूसरे को पहचाने और अपनी दोस्ती को याद करें। मैं अपने तेज दिमाग से एक चीज सोच रहा था। क्या? ये चवन्नी और अठन्नी कहीं एक ही बंदा तो नहीं है? हाँ ना, मैंने फिल्मों में देखा है सेपरेट पर्सनालिटी, तभी तो दोनों एक साथ सामने नहीं आ रहे। अबे क्या भोंगिया मार रहा है यार। तो फिर बताएं कि कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या था? समझ नहीं आया, लेकिन इसे कुछ पता है। यारियां सी बढ़ रही हैं, दिन का दिन का जुड़ रही हैं। यारियां सी बढ़ रही हैं, दिन का दिन का जुड़ रही हैं। रूठे से रिश्तों की आज देखो कैसे बन रही है, उम्मीद सी दिलों में आज देखो कैसे जग रही है। तू अजनबी यार, रिपोर्ट की कॉपी दादी के पास भी होगी। तुम नहीं आए ना? आपने भी तो कहा था कि आप फिर नहीं आएंगी। मैं लास्ट टाइम आई हूं, सोच लो। अभी मैं सोच ही रहा था कि ये काम निपटा के अभी जाऊं या कल। किधर?